एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जी हाँ, आज मैं आप सबके लिए लेके आ गया हूँ विंग्स ऑफ स्टील का रिव्यू। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ विंग्स ऑफ स्टील का रिव्यू। मैं जानता हूँ कि आप सबकी हेक्टिक ज़िंदगी चल रही है और आपके जो एग्ज़ाम हैं वो डेफिनेटली स्टार्ट हो गए होंगे और अब तक वो एंड भी होने वाले होंगे। तो इसलिए ही इसलिए ही मैं आपके लिए लेके आया हूँ विंग्स ऑफ स्टील का रिव्यू। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि आप सबको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स पसंद होती हैं, किसको एक्शन पैक्ड, किसको स्पोर्ट्स राइट, किसको फ्री रोमिंग ओपन वर्ल्ड। जी आप सबको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गेम पसंद होती हैं। तो आज मैं उनके लिए जो हैं एयरप्लेन फ्लाइट लवर्स, जी हाँ, जिनको एरोप्लेन चलाना और जो अपने फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स को सर्व करने के लिए, जी हाँ, जो इंडियन एयरफोर्स IAF ज्वाइन करने वाले हैं और या जो पायलट बनने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस होगा। आप कह रहे होंगे कि विंग्स ऑफ स्टील, जी हाँ, आप कह रहे होंगे कि जो एरोप्लेन के विंग्स होते हैं वो हमेशा एल्युमिनियम के बने होते हैं, लेकिन यस, जी हाँ, जो इसके विंग्स हैं, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टील के विंग्स की, जो कि यूज़ किए जाते थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में वो इसलिए यूज़ किए जाते थे क्योंकि ताकि जो आर्मी पर्सन थे वो अपने दुश्मनों से, जी हाँ, अपने दुश्मनों से एक बहुत ज़्यादा रफ और टफ़ कंपटीशन कर सकें और उनको हरा सकें। तो इसलिए इस गेम का नाम, अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे लगता है, इसलिए इसका नाम है विंग्स ऑफ स्टील। जी हाँ, जो ये कह रहे हैं कि हमको इसमें क्या मिलेगा, चलिए इसको पढ़ते हैं। जी हाँ, इनके अकॉर्डिंगली ये एक एक्शन पैक्ड, जी हाँ, ओपन वर्ल्ड, मेरे हिसाब से इसको ओपन वर्ल्ड तो नहीं, इसको ओपन एयर कहना चाहिए। जी हाँ, ये ओपन एयर, और इसमें ये कह रहे हैं कि हमको मिलेंगे ब्यूटीफुल 3D ग्राफिक्स, जी हाँ, रियलिस्टिक फिजिक्स, डाइवर्स एंड एंगेजिंग गेम प्ले। तो चलिए, ये तो हमें जब हम रिव्यू करेंगे तभी पता चलेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। तो चलिए, बिना आपका टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिव्यू। तो यस फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अब आ गए हैं इसके होम पेज में। जी हाँ, यहाँ पर लिखा था मेड विद यूनिटी। चलिए लेट्स गो, और यहाँ पर हम इसका होम पेज देख सकते हैं, विंग्स ऑफ स्टील यहाँ पर लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पर। यहाँ पर लिखा है इल्यूजन स्टूडियो मैजिक, जो कि इसकी कंपनी है गैस। जी हाँ, जैसे कि आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं विंग्स ऑफ स्टील, और यहाँ पर हमें फ्रंट में एक एरोप्लेन नज़र आ रहा है और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, पर जो ये एरो है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमें कैंपेन पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं कैंपेन पर, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलते हैं थ्री ऑप्शन। जी हाँ, ट्रेनिंग स्पेसिफिक एलडी एंड स्पेसिफिक एक्सेस। चलिए क्लिक करते हैं ट्रेनिंग पर, जैसे कि एरो कह रहा है। चलिए ओके, तो यहाँ पर हम आ गए हैं मिशन पर, जी हाँ, ट्रेनिंग पर, और जिसका मिशन 1 है वी विल गो थ्रू द बेसिक कंट्रोल्स एंड एक्टिविटी इन्फॉर्मेशन दिस मिशन। ओके, चलिए चलते हैं बेसिक ट्रेनिंग पर और सीखते हैं एरोप्लेन फ्लाई करना। चलिए चलते हैं हैंगर में। ओके, तो यहाँ पर इस एरोप्लेन का नाम F4F वाइल्डकैट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। वाओ, जो आपको ये म्यूज़िक आपको आज सुन रहे होंगे वो एक अलग म्यूज़िक है जो मैंने अब तक कभी नहीं सुना। ओ वाओ, क्या आप ये सीन देख सकते हैं? ओ यस, तो ये रहा हमारा एरोप्लेन। ओके, ओह तो है, ओके, वेलकम टू योर फर्स्ट ट्रेनिंग मिशन। ओके, तो अब ये कह रहे हैं लेट्स गो टू द बेसिक कंट्रोल। ओके, तो ये कह रहे हैं लेफ्ट एंड राइट ऐसे करना है हमें प्लेन को, ऐसे जस्ट लाइक दिस। ओह नो, यूज़ द थ्रॉटल टू एडजस्ट द स्पीड। तो अब हमें स्पीड को एडजस्ट करना है। नाउ ट्राई टू, ओके, तो वो जो हमें सामने वे पॉइंट दिख रहे हैं हमें वहाँ पर पहुँचना है। ओके, वाओ डूड, वाओ यार, जो फ्रेंड्स जो ये इसके ग्राफिक्स हैं जो ए क्लास। ओके, नो, यस, वेल डन, यस जी, हमें पहुँच गए हमारे वे पॉइंट पे। ओह, ये तो डोल गया है, तो मशीन गन। ओके, वाह, इसमें मशीन गन भी है, आप देख सकते हैं आप। इससे तो मैं भून के रख दूँगा, सबको मिसाइल्स। यस फ्रेंड्स, इसमें आपको मिसाइल भी मिल रही है, कैन यू बिलीव दैट? क्या आप सोच सकते हैं कि इसमें मिसाइल भी मिल रही है? ओ, ये तो फर्स्ट पर्सन शूटर टाइप, ये तो फर्स्ट पर्सन शूटर बन गई यार, ये तो फर्स्ट पर्सन शूटर। स्पीड 135, ओके एल्टीट्यूड, अरे ये इतनी तेज़ तेज़ क्यों कर रहे हैं सब कुछ? इतनी तेज़ यार, मेरी स्पीड इतनी भी नहीं है यार, क्या कर रहे हो? ओके, तो राइट हैंड साइड पर हमें मिल जाएगा डायरेक्शन का ऑप्शन, और जो यहाँ पर है, ओके, तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन है ये है लैंडिंग गियर। ओके, तो ये अब हमें टाइम दे रहे हैं कि हम कंट्रोल के साथ फेमिलियर हो सकें। ओके यार, मुझे पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी अपनी, तो कुछ हो रही हो रहा है। तो अब ये कह रहे हैं कि हमें अब उस वे पॉइंट पर पहुँचना है। ओके,
और यार मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, मेरे लगता है पहले मुझे स्पीड थोड़ी सी कम करनी चाहिए यार, तो मुझे उस तक सही सलामत विदाउट गेटिंग क्रैश्ड, सही है ना यार, बिना क्रैश हुए पहुँचना है तो। फोन कर रखूँगा, ओह ओ मिसाइल्स, यार जो ये इफेक्ट है ना इसमें, जो ये गनफायर का इफेक्ट है, दैट इज़ जस्ट वो एक नेक्स्ट लेवल है यार, वो नेक्स्ट लेवल है ब्रो। ओ तो जो ये कैमरा का ऑप्शन है, इससे आपको फर्स्ट पर्सन शूटर एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि आपको एकदम रियलिस्टिक एरोप्लेन फ्लाइंग के लेवल तक लेकर जाएगा। और जो आप देख सकते हैं क्या, वो जो नीचे आइलैंड है, आई थिंक वो है इसकी लैंडिंग साइट। जी हाँ, वो है इसकी लैंडिंग साइट, वो है जहाँ पर मुझे लगता है अब तक कि हमें लैंड करना होगा, आफ्टर जब हम ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब हम पहुँच गए हमारे नेक्स्ट लेवल। ओके, और मिशन कम्प्लीट। जी हाँ, ऑटोमेटिकली मिशन कम्प्लीट। सेकेंड डिस्टेंस है हमारा 16.1 किलोमीटर, रिवॉर्ड $1,000। ओके, बुरा नहीं है मुफ्त का तो। ओ यार ये तो ऐड, सॉरी थी, कमीशन 1 कंप्लीटेड। जी हाँ, तो ये है हमारी प्रैक्टिस। चलिए हमारे सेकंड मिशन पर। जी हाँ, जो कि है यू विल प्रैक्टिस टू टेक ऑफ एंड लैंडिंग इन दिस मिशन। ओके, तो अब इस पर अब हमें इस मिशन में हमें ये सिखाएंगे कि हमें टेक ऑफ और लैंडिंग कैसे करनी है, जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो कि मैंने सोचा था कि मैं पिछले मिशन में करूँगा के लिए, पर अगर हमें इस मिशन में मिल रहा है तो भी नॉट बैड है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट मिशन में और लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो हमारा सेम प्लान है, सेम प्लान है, हमारा स्पीड सब कुछ सेम है, रिक्वायर पीआर सब कुछ सेम, बस एक फ़र्क है कि हमें $1,000 हमारे एडिशन हो गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये मिशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और सीखते हैं कि कैसे लैंडिंग और टेक ऑफ किया जाता है एरोप्लेन को, जो कि मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं पता। गेम्स खेली हैं, फ्लाइट सिमुलेटर, स्ट्रीम लैंडिंग्स, पर ऐसी मैंने ऐसी गेम कभी नहीं खेली, टू बी फ्रैंक विद यू, सच में बता रहा हूँ ऐसी गेम मैंने कभी भी नहीं खेली। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं स्पीड, हमें स्पीड बढ़ानी है, ये कह रहे हैं कि जब स्पीड 100 नॉट्स पर पहुँच जाए तो हमें टेक ऑफ करना है। ओके, पहुँच भी गई यार। यस गाइस, एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसके ग्राफिक्स हैं ना, इसके ग्राफिक्स हैं वो नेक्स्ट लेवल है यार। ऐसे ग्राफिक्स तो मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किए हैं अपनी लाइफ में, बस मैंने बहुत गेम खेली हैं लेकिन ऐसे ग्राफिक्स कभी भी नहीं। जो जब देख रहे हैं जो समुंदर है, जो नीचे ओशन आपको दिख रहा होगा, वो कितना रियलिस्टिक। जी हाँ, वो सच में इसके जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन में बताया था कि 3D ब्यूटीफुल रियलिस्टिक ग्राफिक्स हैं, वो सच में हैं। अब ये कह रहे हैं लैंडिंग गियर, ओके हमें लैंडिंग गियर उठाना होगा वरना वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा प्लेन का। ओके, तो अब हमें जाना है नेक्स्ट वे पॉइंट की ओर। रियली यार, ये तो सच में मैं सच में रिकमेंड करूँगा ऑल तो जो IAF एस्पिरेंट्स हैं ना, जो जो यार जो पायलट बनना चाहते हैं, वो तो ये गेम ज़रूर खेलें एक बार। यस ज़रूर, तो बहुत ज़रूरी है और आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी और आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी आपकी ट्रेनिंग में, मैं इतना आपको ज़रूर कह सकता हूँ। चलिए अब हमें चलना है नेक्स्ट वे पॉइंट की ओर। ओके, वो आप देख सकते हैं, वो आपको नीचे एक शिप दिख रही होगी, वो वाओ ऐसा ही हो, इसमें तो लाइक IAF प्लस नेवी की जो प्रैक्टिस होती है, ये मुझे वो वाली फीलिंग दिला रही है। ओ यार क्या, जो आइलैंड है ना इस गेम के, जो आइलैंड्स हैं वो एकदम असली हैं यार, बिल्कुल रियलिस्टिक हैं। और यहाँ से अभी टेक ऑफ भी किया है, वो भी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक था, उसके जो सराउंडिंग है वो बहुत ज़्यादा असली है, यस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। तो अब हम हैं 2432 एल्टीट्यूड पर और अब हमारी स्पीड है 181 नॉट्स, और यार ये तो बहुत दूर है, इसका डिस्टेंस अभी हमारे वे पॉइंट का रह गया 2.6 किलोमीटर्स, और जो हमारी डायरेक्शन है वो जा रही है ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा सा राइट। चलिए चलते हैं और देखते हैं इसके बाद हमारा क्या मिशन होगा। क्या रियलिस्टिक ग्राफिक्स हैं यार इस गेम के, लव्ड इट। चलिए
चलिए चलते हैं, चलो यस हिट इट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट 3 पॉइंट की ओर। वाओ ओ या जो आप टिल्ट देख रहे हैं इस प्लेन का, जो टिल्टिंग एंगल है वो कितना ज़्यादा रियलिस्टिक है। यस मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जो इसकी कैमरा सेंसिटिविटी है, इट्स जस्ट ओ यस यार, धांसू है यार, सच में वो धांसू है। इसके जो ग्राफिक्स, जी हाँ, वो बिल्कुल 3D हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक हैं, बिल्कुल सही बात है ना। और अच्छा, तो अब हमें स्लो डाउन करना है और नेक्स्ट फाइनल वे पॉइंट की ओर जाना है। और मुझे लगता है कि इसके बाद, यस इसके बाद हमारी लैंडिंग होगी। और सो प्लीज़ गाइस विश मी बेस्ट ऑफ लक फॉर माई लैंडिंग। प्लीज़ मुझे बेस्ट ऑफ लक दीजिए मेरी लैंडिंग के लिए, कि भी सी सेफ लैंडिंग हो। ये यार जो प्लेन है वो पूरा आपको ना वर्ल्ड वॉर 2 प्लेन की पूरी फील देगा यार, फुल फील। इतना अच्छा वर्ल्ड वॉर 2 प्लेन मैंने तो कभी नहीं देखा यार, सच में कह रहा हूँ। अगर आपने ऐसा प्लेन कहीं और देखा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओके तो चलो प्ले, अब हमें प्रिपेयर होना है हमारी लैंडिंग के लिए। और ओके अब हमें लैंडिंग गियर यूप करना है, स्पीड जो है 100 नॉट्स तक लेकर आना है। और ये हमें रिकमेंड कर रहे हैं कि हमें ओनली 40% थ्रॉटल यूज़ करना चाहिए अभी। ओके 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 प्लीज़ गाइस विश मी बेस्ट ऑफ लक, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओ डूड ओ नो नो ओ नो 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 यस ओ बच गया यार, ये तो बच गया, बस तो बच गया, मैंने बस लैंडिंग कर ली आप ऐसे कह सकते हैं, बट लेकिन ये तो बच गया। चलिए यार क्या लैंडिंग, क्या धांसू गेम है यार। जो आप देख सकते हैं जो हैंगर हैं, जो आपको ये हैंगर दिख रहे होंगे वो कितने रियलिस्टिक हैं, आप देख सकते हैं क्या। यस राइट हैंड साइड जो ये हैंगर हैं, वो जो ट्रीज़ हैं और जो ये एयर स्ट्रिप है, इसकी क्या वाइब है यार, क्या धांसू वाइब है साली। तो चलिए स्टॉप करते हैं हमारे प्लेन को। एंड जी हाँ हमने कर ली लैंडिंग और हमारा मिशन हो गया कंप्लीट। यार यार डेफिनेटली ये गेम तो वर्थ है यार, ये ऐड कहाँ से आ जाती है हर बार। स्किप चलो यार। तो चलिए अब हमने कर ली, हमें 20% ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है और हमने सीख लिया है टेक ऑफ और लैंडिंग करना। यस फ्रेंड्स ये गेम है पूरी धांसू, जी हाँ ये पूरा पैसा वसूल गेम है। और जैसे अब देख सकते हैं कि यहाँ पर आप काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो कि कैंपेन, सर्वाइवल, फ्री फ्लाइट, हैंगर, सेटिंग एंड स्टैट। चलिए एक बार ज़रा इसकी है सेटिंग ज़रूर चेक कर लेते हैं। तो इसमें है कंट्रोल, क्या आप टिल्ट करके इसको कंट्रोल करना चाहते हैं या टच करके अपने प्लेन को। ऑडियो आपको मिल जाएगा इन गेम म्यूज़िक या रीप्ले म्यूज़िक ऑप्शन, या म्यूज़िक की वॉल्यूम आप क्या रखना चाहेंगे। क्लाउड सेव ओके, यहाँ पर नीचे क्रेडिट्स, ओके क्रेडिट्स तो नहीं सेटिंग, जी हाँ यहाँ पर आपको अपने स्टैट्स मिल जाएंगे। गेम प्रोग्रेस मैंने सिर्फ 4% गेम कंप्लीट की है अभी। प्लेइंग टाइम है मेरा 8 मिनट 6 सेकंड्स और डिस्टेंस जो मैंने ट्रेवल किया वो है 38.6 किलोमीटर। मिशन कंप्लीटेड 2 की है मैंने, मिशन फेल 0, मिशन स्टार्टेड 2 ये है, बाकी सबको 0 0 0 क्योंकि मैंने अभी ये सिर्फ स्टार्ट किया। फ्रेंड्स आपको ये गेम कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर ये रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो IAF या पायलट एस्पिरेंट्स हैं, जो अपने अपकमिंग लाइफ में के फाइटर्स बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। तो मिलते हैं, रिव्यूज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू माई चैनल। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।